वहां के भी ब्लॉक में, वहां के भी सब डिवीजन में, वहां के भी जिला हेडक्वार्टर में, कमिश्नरी में इस बात का लोग चर्चा कर रहे हैं कि जामिया की लड़कियों ने जो किया उनसे हौसला मिला और आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई किस्सा नहीं बचा है जहां पर ये सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। इस जज्बे को हम सलाम करने सीमांचल से आपके बीच आए। ये तारीख जब लिखाएगी तो आप लोग ने जो किया है ये सुनहरे अक्षर में लिखाएगा। और हम लोग पहले देखते थे कि फिलिस्तीन में हमारी बहनें, हमारी माएं जो जद्दोजहद करती थी कश्मीर में करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज अलीगढ़ हो, जामिया हो, हमारी बहनें ने दिखला दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। ये रंगा बिल्ला जो दो रंगा बिल्ला चाहता है कि हिंदुस्तान में जो मन चाहे वो कर लेगा, इंशाअल्लाह ताला वो होने वाला नहीं है। उनको पता नहीं है रंगा बिल्ला को कि हमारी औरतें, हमारी माँ बहन, हमारे जो हम लोग उससे सीखे हैं कि जब बीबी हाजरा अल इस्लाम पैर रगड़ी थी तो आबे जमजम का चश्मा फूट गया था, हम लोग उसको मानने वाले हैं और हम लोग उससे सीखते हैं। हम न डरते हैं न झुकेंगे, अगर झुकेंगे तो सिर्फ अपने अल्लाह के आगे झुकेंगे और डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह के बल से डरते हैं। दुनिया की किसी की औकात नहीं हमें डराने की। आप लोग जो कर रही है जरूर ये हारेगा, ये प्रोटेस्ट ही, ये जो नॉन वायलेंस तरीका है यही तरीका से ये हारेगा। आज सरकार को कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट में है कि नहीं वो कह ले कि मैं एक इंच पीछे हटने वाला नहीं, हम एक मिलीमीटर तुम्हें जगह नहीं देंगे, ये हमारा अहद है, हम नहीं हटने वाले। जामिया या शाहीनबाग हो, कल मालेगांव में भी देखा हमारी जो माँ बहन जिस तरीके से वोट पर आई है, कडापा में, हैदराबाद में, सीमांचल, बलरामपुर, बारसोई में, हिंदुस्तान का ऐसा कोई खिस्सा नहीं है जो आपको सलाम नहीं कर रहा है। और आप तो इस बात का सिर्फ इसीलिए आपके पास आए कि आपने दिखा दिया, ये इससे डरना भी नहीं है ना हम झुकेंगे, ये आप कर लिए। उम्मीद है ये जो सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीख को ये जो इस पर सुनवाई होगी, 62 पिटिशनर है, हम उनको भी सलाम करते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ने के लिए वो पहल किया और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आपसे कुछ यही कहेंगे, जितनी ताकत से आप कर रहे हैं ये जो फोरम और आप लोग कर रहे हैं इससे सबको मजबूती मिलती है। सिर्फ ये बात नहीं कि सिर्फ ये जामिया में हो रहा है, सिर्फ ये इस ओखला इलाके में हो रहा है, चाहे कटिहार हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी खिस्सा हो, केरला हो, सबसे पिछड़ा कन्याकुमारी हो, वहां भी आप लोग को सलाम किया जा रहा है। हम आपके साथ हैं, हम कोशिश करेंगे जितने आपके साथ, जो नौजवान हमारे साथ हैं, जो लोग हमारे साथ हैं, ये आज मिस कॉल चला रहे हैं, ये मिस कॉल करके हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ है और 52-53 लाख लोग ने मिस कॉल किया और होम मिनिस्टर प्रचार करता है टीवी में आके कि इतने लोगों ने किया। अरे होम मिनिस्टर साहब, 135 करोड़ का देश है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर, आसाम से लेके गुजरात है हिंदुस्तान, सिर्फ गुजरात हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान है। हमने लिखा है सर फरोशी की तमन्ना, हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा दिया, हमने तिरंगा में चक्कर दिया, आपके बाप दादा ने नहीं दिया, आरएसएस हेडक्वार्टर में लगभग 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, लेकिन हमारे मदरसा में, हमारे घरों में, हमारे इलाकों में झंडा फहराया गया। दारुल देवबंद की कुर्बानी है उसको कोई नहीं भूल सकता, नदवा की कुर्बानी हो या जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की कुर्बानी हो या एक भी इंस्टीट्यूशन हमारे बाप दादा ने बनाया था, हमने कुर्बानी दी है। और जो लाल किला पर वो जो पगड़ी बांधकर जाते हैं झंडा फहराने, वो भी हमारे बाप दादा की देन है। आप जरूर बिरला को बेच दीजिए, लेकिन उस सीट में हमारा खून है, हमारा पसीना है। आप लोग से सिर्फ यही मोहतमाना गुजारिश कर दुआ कीजिए और हिंदुस्तान के अदलिया पे हमें भरोसा है, जो जज बैठेंगे उनसे उम्मीद है कि हमारे जज्बात को समझे, क्योंकि जो पार्लियामेंट में नहीं हो सकता, पार्लियामेंट में जिसको चुना जाता है हम चुनते हैं। अगर पार्लियामेंट में जो चीज नहीं गलत हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनेगा तो हम सड़क पर एहतजाज करेंगे जो महात्मा गांधी ने किया था, हम उस तरह करेंगे। हम इस बात का हमने देखा कि पार्लियामेंट में हम, क्योंकि पार्लियामेंट में किस तरह से बिल बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने पढ़ा, हम उस जज्बे को भी सलाम करते हैं। और हर जगह हो रहा है, पूर्णिया में आप देखिए जो प्रोटेस्ट हुआ था लगभग 5 लाख लोग आए थे, उसके बाद किशनगंज में भी लगभग 2 से 3 लाख लोग आए थे। हर लोग आपके साथ है, हर आवाम, हिंदुस्तान की आवाम, हर मजहब के लोग,
हर मकतबे फिक्र के लोग, हर जिला मोहल्ला वार्ड पंचायत के लोग आपके साथ हैं। हम यही आपको सिर्फ पैगाम दे रहे हैं कि ये जो हमारे बाप दादा ने ये फिरंगी हुकूमत से लड़ा था, अब ये दो रंगा मिलना है, उससे हम इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे। क्योंकि हमें मजहब से भी प्यार है, हिंदुस्तान से भी प्यार है। ना इस्लाम छोड़ेंगे, ना हिंदुस्तान छोड़ेंगे, ना संविधान छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।